बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जनाब, नए दिन का आगाज और आज का लॉग जो है वो टोटली वुड बी अबाउट एन अपार्टमेंट विच इज 3 बेडरूम। एक बड़ा ही खूबसूरत सा अपार्टमेंट है। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछे थे कि हमें बताइए ये कहाँ पर है अपार्टमेंट्स, हम इन्हें देखना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, आई विल अरेंज के नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस तरह के अपार्टमेंट भी दिखा दूँ जो फॉर सेल हूँ, और जिनको अगर आप वहाँ पर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो आई गिव यू द नंबर्स और आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन दिस होल थिंग वुड बी नॉट एनी प्रमोशन। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही ना कुछ और, ये मेरा एक शौक है। अभी बहुत से मैंने आपको खूबसूरत बैंगलोर्स दिखाने हैं, घर दिखाने हैं, इंटीरियर का कुछ मुझे शौक है। कुछ लोगों को मैं चीज़ें बताती भी रहती हूँ, तो वो भी कुछ घर आपको दिखाऊंगी जहाँ पर मैंने अपना कुछ इनपुट दिया हो, तो वो चीज़ें भी आई शो यू पीपल। ये एक मेरा छोटा सा शौक है विच विल गेट टू नो वेरी सून। तो आज चलते हैं एक बड़ा ही क्यूट सा अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, मेरे साथ चले। अच्छा, मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक 3 बेड अपार्टमेंट है। ये भी बड़ा खूबसूरत अपार्टमेंट है, छोटा सा। वो जो मैंने आपको 2 बेड दिखाया उसके साथ का ही है। अब यहाँ पे जब हम एंटर होते हैं तो ये देखिए एक बड़ी खूबसूरत सी कंसोल ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए एक अच्छा डिफरेंस आइडिया है। आपके घर में कोई एंटर हो तो खूबसूरत सा कंसोल जिसपे ये देखिए ये कैंडल स्टैंड्स हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा ओपन व्यू दिया है जहाँ से आपकी लाइट एरिया भी है, ये डक्ट है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे आपकी ये देखिए ये इस तरह से आपको अभी मिरर जो है एंट्रेंस पे मिरर अच्छी लगती है, थोड़ा ओपननेस का एक एहसास होता है। अच्छा, ये चूँकि 3 बेड है इसका एरिया थोड़ा बड़ा है, उसमें भी इस तरह से किचन था। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये किचन है, और ये चूँकि फेसिंग कोर्टयार्ड नहीं है तो इसके टेरेस से आगे व्यू तो उस तरह नहीं मज़े का, लेकिन टेरेस इसका अच्छा है, बड़ा है, प्यारा है। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये इसका किचन है, इसकी जो कबर्ड्स हैं नीचे इस तरह है, वहाँ पे ज़रा मिरर इफेक्ट वाली थी, ऊपर मिरर इफेक्ट वाली हैं लेकिन बड़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर ये विंडो है, और ऊपर से जो आपका रोशनी का एक अखराज होता है वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पे आपको लाइट जो है दिन के वक्त यहाँ से रोशनी आएगी अंदर किचन में। और ये आपकी अलमारियाँ हैं, और अलमारियाँ मुझे खूबसूरत लग रही है, ठीक है ये। और ये आपका स्टोव एरिया, ये आपकी फुल लेंथ जो कबर्ड है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। ये देखिएगा अभी ये अलमारी जो है कंप्लीट नहीं हुई। फिर आपका ये फ्रिज की जगह, ठीक है। और अब हम ज़रा आ जाते हैं, यानी कि जब हम अंदर एंटर होते हैं यहाँ पे हमारे किचन, और अब ये हमारा लाउंज एरिया और डाइनिंग एरिया है। जिस तरह वहाँ पे डाइनिंग के लिए जगह थोड़ी थी तो वहाँ पे छोटा सा राउंड एक टेबल था, और ये चूँकि थोड़ी उससे निस्बतन जगह बड़ी है तो यहाँ पे ये देखिए कि ये 6 सीटर जो है टेबल है, वहाँ पे वो 4 सीटर राउंड थी, और ये रेक्टेंगुलर टेबल है और बड़ी प्यारी सी टेबल है। इसको आप ज़रा चेक कीजिएगा, इसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। इसकी मैं आपको टांगे बेस इसकी दिखा दूँ, इट्स लवली। ये देखिए खूबसूरत टेबल, और चेयर्स भी बहुत अच्छी हैं। और ये आपकी मैं साथ साथ इसकी स्नैप्स भी ले रही हूँ, आपको दिखा भी दूँगी इसके अलावा भी। और ये यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा पॉट के लिए स्टैंड है, आपके प्लांट्स के लिए प्लांट स्टैंड है। और ये आपका यहाँ पे लाउंज एरिया, आप ज़रा लाउंज एरिया आपको पहले विज़िट कराती हूँ, फिर 3 बेडरूम्स है वो आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए जैसे हम एंटर हो रहे हैं राइट साइड पे ये वॉलपेपर है, बड़ा ही खूबसूरत लाइट ग्रे सा इसका टेक्सचर है, और बीच में इसके फाइन लाइन टेक्सचर है, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और इस वक्त इफ़ आई कैन शो यू क्लियरली, ये देखिएगा बड़ा प्यारा वॉल पेपर है ये। और यहाँ पे इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, बड़ी सी तस्वीर, ज़रा ट्रेंडी लगता है, इस तरह की पिक्चर्स आपको बहुत मिलेंगी मेन मार्केट में भी। तो डिज़ाइनर लेना चाहें तो लाखों की ले लीजिए, वरना हज़ारों में मिल जाती हैं। यहाँ पे ये फॉल सीलिंग भी आप इसकी चेक कर लीजिए कमरे की, मुझे खुद बिल्कुल प्लेन फॉल सीलिंग ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि आपने बहुत ही डिज़ाइन किया हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए ये जो इन्होंने फीचर वॉल की है पीछे सोफे की बैक पे, ये आपका डाइनिंग एरिया है, सॉरी ये आपका टीवी लाउंज एरिया है। ये देखिएगा इसमें इन्होंने इसको पूरा फीचर वॉल किया है, ये मार्बल लुक दे रहा है, लेकिन आई गेस ये मार्बल नहीं है,
हाँ जी, ये मार्बल नहीं है, ये आपकी मार्बल लुक में आपकी ये वुड आती है, पीवीसी होती है, ये वो है। और बीच में अगेन ये फीचर्ड वॉल जिसके अंदर आपका ये शीशा इस तरह से कटवर्क लुक्स ब्यूटीफुल। और शीशे से मैं आपको हमेशा बताऊँ, कमरे की लुक हमेशा बढ़िया आती है। ये आपका एल शेप सोफ़ा है और कॉम्पैक्ट सोफ़ा, आमतौर पे थोड़े से लंबे सोफ़े होते हैं, लेकिन चूंकि जगह ये छोटी है तो ये टू सीटर टाइप या टू एंड हाफ सीट आप कह लीजिए दोनों साइड पर है। और ये एल शेप सोफ़ा है, कस्टमाइज्ड है ऑफ कोर्स के इस जगह के मुताबिक है। वन आमतौर पे एल शेप सोफ़े जो हम देखते हैं थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि ये जगह छोटी है, बड़ा प्यारा लग रहा है, लुक्स ब्यूटीफुल। ग्रे एंड वाइट का बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है और ग्रे एंड वाइट की वजह से कमरा थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है। अब आप ये देखिए, ये जो आपका सोफ़ा है बड़ा मुनासिब है, आप एल शेप में मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, आप लेट सकते हैं आराम से, दोनों तरफ से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये टेबल्स हैं इसके साथ, ये टेबल्स भी बड़ी खूबसूरत हैं। साथ साथ आपको डेकोरेशन पीस भी दिखाती जाऊँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये दिस इज़ नाइस, ये अगेन आपकी LCD वॉल, उसके साथ ये बड़ा कॉम्पैक्ट सा ये एक स्लैब की तरह है, ये सारा वुड वर्क है, लेकिन कहीं कहीं लुक ऐसे आती है जैसे मार्बल है। मैं एम नॉट नोन टू वर्ड्स एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट टर्म्स होंगी इनकी, मैं तो आपको आसान अल्फाज में समझा रही हूँ। अच्छा, ये मूरा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसी तरह ये टेबल सेट बहुत अच्छा है, ग्रे एंड वाइट सिल्वर, ये टच बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर अगर आप कमरे में मौजूद हो, बड़ी कोजी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर अभी रग्स वगैरह नहीं पड़े हुए, अगर रग्स वगैरह पड़े हों तो ये और भी प्यारा लगे। तो ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत, इसका एक फील बहुत अच्छी आ रही है, लवली। मैं एक दफ़ा आपको पूरे कमरे की लुक दिखाती हूँ और उसके बाद, अच्छा ये सामने टेरेस को जाती है, ये कर्टन्स बड़े अच्छे हैं, साइड पे ग्रे कर्टन्स हैं, ये वेलवेट में है। और उसके बाद सेंटर में वही शिफॉन का एक टच दिया है जिससे एक बड़ी ओपननेस की फीलिंग आती है। आप इसको खोल दें, पीछे कर दें या पूरे पे फैला दें, एज यू वॉन्ट एज यू विश। ठीक है, ये हमारा, ये देखिए ये सारा वॉलपेपर चल रहा है, बीच में ये फीचर वॉल आ गई, एकदम से ग्लैमराइज कर दिया उसको मार्बल लुक के साथ। और उसके बाद ये सामने आपका LCD टेबल और आपका ये खूबसूरत सा सोफ़ा, और ये आपकी जो लैम्प है ये बड़ा प्यारा है, साथ में इसके आगे तस्वीर, फ़ोटोज़ ऑलवेज ग्रीन, एवर ग्रीन। तो जनाब, अच्छा जी, ये एक छोटा बेडरूम है, पहले ये विज़िट करा देती हूँ। मुझे इसके साइड टेबल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, कस्टमाइज्ड हैं साइड टेबल्स, बेड्स उसी तरह पोशिश वाले हैं। बैक पे ये देखिए जो फीचर्ड वॉल्स होती हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये आपका, ये देखिए जनाब, ये इस तरह इनके अंदर आप चाहे तस्वीर लगाएं, चाहे आप इसको ब्लैंक रहने दें। ये ग्रे का ये जो टोन है दीवार में, ये बहुत प्यारा लगता है। दिस कलर इज़ वेरी नाइस विद वाइट बाउंड्रीज, ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ज़रा काम हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर दीवार का टेक्स्चर ख़राब हुआ हुआ है। एनीवे, दिस साइड टेबल्स आर ब्यूटिफुल। और ये आपके लैम्प्स, और ये आपकी बेड की जो बैक है ये खूबसूरत है। आप इस चीज़ को नोट करें और आप इसको बनवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये उसी तरह की आपकी LCD टेबल है, नीचे भी और ऊपर भी स्पेस है, बीच में ये, और वाइट का इंतज़ार जो है वो कमरे को बहुत एक अच्छी स्पेशियस लुक दे रहा है। वो उधर आपकी जो विंडो है वो बाहर आपके टेरेस को खुलती है, मैं भी आपको टेरेस बाहर से दिखाऊँगी। ये एक आपका छोटा बेडरूम है इस अपार्टमेंट का। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, ये बेडरूम भी छोटा बेडरूम है, फिर मैं आपको मास्टर बेडरूम इसके बाद दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, मैंने उसका वॉशरूम आपको नहीं दिखाया, चले मैं भी वो बाद में दिखा दूँगी। ये वाला बेडरूम है और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लवली। ये गालबन उधर की चेयर इधर पड़ी है क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा था, क्योंकि ये वही टेक्स्चर है जो वहाँ की साइड टेबल्स के ऊपर है, और वहाँ पर चूँकि काम हो रहा था इसलिए चेयर यहाँ भी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, ये मुझे बहुत प्यारा टेबल लगा, अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल टेबल एंड अ ब्यूटीफुल लैम्प, और बैक इसकी बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए टेबल, और इसकी अगेन ये छोटी हाइट का ज़रा बेड की बैक है, ये देखिए लवली। और ये आपका अगेन वुड लगा हुआ है पीछे, और आपकी बेड वॉल जो है बहुत खूबसूरत बनी हुई है, और इसके साथ आपकी ये साइड टेबल्स। और ये आपका LCD टेबल भी बहुत प्यारी है, खूब स्पेशियस है, इसमें इनफ स्पेस फॉर स्टोरेज। ये देखिए, अच्छा खुल नहीं रही मुझसे, एनीवे पता लग रहा होगा कि आपको इसमें कितनी जगह है। और ये कैंडल स्टैंड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं टीवी के साथ, अनदर गुड आइडिया। और ये देखिए पर्दों का भी बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, ये ग्रे में वेलवेट है, वेलवेट के साथ अगेन शिफॉन, और फिर वेलवेट और फिर शिफॉन, और इट लुक्स लवली। अच्छा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है
ये भी नोट कर लें, डिफरेंट चीज़ें ऐड करें, और प्लेन में प्लेन लुक्स गुड। ये टेबल बहुत प्यारी है, लवली टेबल। ये रग बहुत खूबसूरत है, और चूँकि नीचे से ये स्पेस है, नीचे तक चला जाता है, तो ये और अच्छी लुक देता है। तो जनाब ये दिस इज़ अनदर बेडरूम, और अब मैं इसका आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। साथ ही एक का वॉशरूम मिस हो गया, वो मैं आपको आंखों में दिखा दूँगी। सिंपल सा वॉशरूम है इसका, लवली है। ये कमोड के बैक पे इसका, ये देखिए, ये आपका शावर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे ये बाहर मेरा ग्रीनरी है, देखिएगा ग्रीनरी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका वॉशरूम और वैनिटीज की भी, सिंपल एलिगेंट, ठीक है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और हम जाते हैं अब तीसरे बेडरूम की तरफ, जो कि मास्टर बेडरूम है। स्पेशियस है, एंटर होते आपको फील आ रही होगी। यहाँ पे इन्होंने सिटिंग, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक सिटिंग दे सकते थे, लेकिन चलिए उन्होंने इस जगह को ओपन रखा है। और ये इधर एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये आपकी LCD वॉल है। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। वहाँ पे वो जो है, इसके ऊपर मैं समझती हूँ यहाँ पे ऊपर शीशा लगाया जा सकता था, इसको एज ड्रेसिंग टेबल अगेन हम यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे शीशा होता है, ये नीचे ये, और जो सामने पड़ी कुर्सी है वो एज ड्रेसिंग टेबल चेयर भी इस्तेमाल हो सकती थी। और ये ज़रा इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो ये आपकी LCD टेबल है, और ये भी एक अच्छा आइडिया है। बैक पे फिक्स्ड हैं आपके कर्टन्स, आपके ब्लाइंड्स की तरह ये लगे हुए हैं, ये अभी हुए नहीं हुए कंप्लीट तैयार। और ये वाइट एंड ब्लू शिफॉन जो है साइड पे लगा हुआ है, ये बहुत प्यारी लुक दे रहा है। यानी कि बीच में वाइट ब्लाइंड्स और साइड पे वाइट एंड ब्लू शिफॉन, स्ट्राइप्स वाला शिफॉन है ये, बड़ा ही प्यारा लग रहा है, लवली। और ये आपकी LCD टेबल की साइड। अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं तो जनाब आपके बेड के आगे ये आपकी सिटिंग को बेसिकली उन्होंने इधर कर दिया, जगह को बचा लिया क्योंकि एंट्रेंस पे जगह ज़्यादा है। और ये साइड टेबल्स बहुत प्यारी है, ये देखिए लवली। और ये आपकी जो बेड वॉल है ये बहुत प्यारी है, साइडों पे दो शीशे लगे हुए हैं, बीच पे नेवी ब्लू में, ये आप देखिए बड़ा खूबसूरत हसीन इम्तिजाज। अच्छा मैंने ज़रा पंखा बंद किया है क्योंकि आवाज़ जो है फिर कम आती है। और ये देखिए जी, दिस इज़ योर बेडरूम। और ये आपकी इधर कबर्ड्स हैं, दो में अगेन शीशे लगे हुए हैं, दो में आपके लकड़ी है, वुड है। और इससे अगेन वही बात है कि शीशे इस कमरे में देखिए आप काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे जो बेड के पीछे वॉल है ये भी शीशे इसमें दोनों साइड पे लगे हैं, बीच में वेलवेट का ये एक टेक्सचर देके ये पूरी वॉल जो है ये तैयार की गई, और यहाँ पे भी शीशे लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो जनाब ये वॉशरूम है इधर का, अगेन सिंपल और ख़ूबसूरत वॉशरूम है। ये आप देखिएगा, ये इसकी वैनिटी है। वैनिटी मुझे इस तरह की सिंपल अच्छी लगी इनकी। उसके बाद यहाँ पे ये आपका शावर एरिया, और शीशे से उसको सेपरेट किया है ताकि आपका बाकी का बाथरूम गीला ना हो। और इसको थोड़ा सा इसको नीचे रखा गया है, इसकी जो ज़मीन है थोड़ी सी नीचे है, और उठ के मैं बाकी का वॉशरूम, विच इज़ गुड, ताकि आपका बाकी का बाथरूम जो है पानी ऊपर ना आए और गीला ना हो। तो ये आपका जनाब एक बाथरूम हमारा रह गया था दिखाना, वो भी अब आपको दिखा देते हैं। साथ साथ आप देखते जाइए, निकलते जा रहे हैं। ये एक बेडरूम से हम निकले हैं। ये आपका किचन एरिया, ये आपके बाहर जाने की जगह, और ये जनाब आपका लाउंज एरिया, और ये आपकी वॉल्स। ये देखते जाएं। और ये इस बेडरूम का हमने आपको नहीं दिखाया था वॉशरूम, तो ये भी वॉशरूम दिखा देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए हमारा टूर। यहाँ पे अभी बेसिकली काम ज़रा हो रहा है, उसी तरह का छोटा सा वैनिटी है, और साथ ही बाथरूम के चूँकि वो है तो उन्होंने इसको सेपरेट किया, तो ये बड़ा अच्छा होता है आपको नीटनेस का एक एहसास, हाइजीन के लिए। वैसे भी आप मतलब नमाज़ पढ़ना होता है कुछ भी, तो कपड़े गीले ना हो, तो वॉशरूम के साथ ये शीशे का जो एक कॉन्सेप्ट है आपके बाथ एरिया का, तो वो बड़ा अच्छा रहता है, शावर एरिया का। इनफैक्ट आई होप यू लाइक इट। और ये मैंने आपको ये टूर कराने की, मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। अभी और भी बहुत से अपार्टमेंट्स हैं, बहुत से घर हैं, कहेंगे तो फिर मैं आपको और दिखाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।